अयोध्या के सूर्यकुंड में सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबोधन दिया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का विकास लगातार जारी है। देश की आकांक्षाओं के प्रति कश्मीर से धारा 370 को हटाया गया, 3 तलाक की प्रथा को प्रतिबंधित किया गया। इसके साथ ही अयोध्या में राम मंदिर मार्ग को प्रशस्त करना नेतृत्व का प्रतीक है। अयोध्या वासियों की तरफ से पीएम मोदी का गृह मंत्री अमित शाह का अभिनंदन भी सीएम योगी ने किया। सूर्यकुंड पर आरोग्य मेला आयोजित किया, साथ ही चौथा आरोपी मेला प्रदेश के अंदर है। सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर मेले का आयोजन लगातार जारी है। श्री भरत पुरुषोत्तम दास जी, श्री रामदास जी 500 वर्षों के बाद अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होने के बाद पहली बार मुझे अयोध्या आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर आप सभी श्रद्धालुजनों की ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, देश के उच्चतम न्यायालय का और फैसले पर मोहर लगाने वाले, फैसले का सम्मान करने वाले सभी देशवासियों का, अयोध्या वासियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं आप सब के प्रति। इस ऐतिहासिक घड़ी में हृदय से बधाई देता हूं और उन सभी पूज्य संतों के श्री चरणों में राम भक्तों के प्रति, जिन्होंने अपना पूरा जीवन से राम जन्मभूमि के लिए समर्पित किया। आज भले वे इस धराधाम पर नहीं हैं, लेकिन उनकी आत्मा को असीम शांति मिल रही होगी कि अब अयोध्या में अयोध्या से एबीएन समाचार के लिए मोहम्मद रजा हैदर की रिपोर्ट।